बुरेवाला में घरेलू नाचाकी पर शोहर का बच्चों को घर बुलाकर मिलना जुर्म बन गया। ससुरालियों का दामाद के घर धावा बोलकर डंडों से तशद्दद, दामाद को नंगा करके गली में तजलील करते रहे। डीएसपी बुरेवाला का फौरी नोटिस, मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बुरेवाला की नवाही आबादी मसूम शाह कॉलोनी के रहायशी हैदर नामी शख्स की बीवी घरेलू नाचाकी पर बच्चों समेत महके गई हुई थी। शोहर ने ईद मिलने के लिए बच्चों को घर बुलाया, जिसका इसके ससुरालियों को गुस्सा आ गया और डंडों से मसल्ला होकर 5 से 6 अफराद ने धावा बोल दिया। घर में अपने दामाद और इसके वालिद पर तशद्दद के बाद दिल ठंडा ना हुआ तो दामाद को नंगा करके गली में ले गए, जहां इसकी तजलील करते रहे, जो बेबसी की तस्वीर बना इनको फरार होते देखता रहा। वाकया की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही डीएसपी बुरेवाला ने वाकया का फौरी नोटिस लेकर मुलजमान के खिलाफ थाना माजल टाउन में मुकदमा दर्ज करवा दिया, जबकि जख्मी शख्स को मेडिकल के लिए टीएचक्यू अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुलजमान ताहाल गिरफ्तार ना हो सके। मोहसिन मुगल, मुगल न्यूज, बुरेवाला। मेरा नाम हैदर अली है जी, बुरेवाला का मैं रहशी हाँ जी। कल का वकूआ तुम सब मेरे भाइयों ने देखा होना, वीडियो रिकॉर्ड हुई है। मेरे बच्चे मैं मिलन वास्ते आए सी, मेरी बीवी नाराज़ हो के गई हुई सी 15 दिन तो। बच्चे मेरे मिलन वास्ते मैं आए से और मेरी बीवी की ख्वाहिश थी कि मैं नंगिया करके मारिया जाए और मैं सर नंगिया करके मारिया गया और मेरे घर के घुस के मेरे बच्चे भी लै गए और मैं मार मार के बाहर लैके गए, नंगिया करके मैं गली च फराया गया और मेरी औरत को दिखाया गया। मेरी DPO विहाड़ी साहब के अगे और आला हकाम के अगे अपील आ कि मैं इंसाफ दिलाए दे। बस मेरी यही अपील है जी, मैं गरीब तरीन इंसान हाँ, जो मेरे ना जुल्म और ज्यादती हुई है, मैं यदा इंसाफ दिलाया जाए DPO विहाड़ी साहब के अगे और आला हकाम के अगे, मेरी अपील है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम रमीज़ अहमद है, हैदर अली मेरा छोटा भाई है। कल यहाँ पर जो वकूआ हुआ है वो उसका मैं चश्मदीद कह सकते हैं मुझे, क्योंकि जब मुझे पता चला तब मेरे भाई को ये घर से उठा कर लेके जा चुके थे और बरहना करके मेरे भाई को मार रहे थे। हम लोग घर में मौजूद नहीं थे। मेरी आला हुकाम समेत और DPO साहब से मेरी ये मौत बना गुजारिश है, हाथ बांध के मेरी गुजारिश है कि सर प्लीज़ हमारा साथ दिया जाए और इसके ऊपर कार्रवाई की जाए, ताकि जो मुलजमान हैं उनको कैफे किरदार तक पहुँचाया जाए। हम बहुत पूरी उम्मीद हैं जनाब DPO साहब बिहाड़ी से कि वो इंशाल्लाह हमारी जो है वो दादरसी करेंगे और हमारी बात सुनेंगे। और अपने मीडिया वाले भाइयों के ज़रिए ये मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि इनकी भी बहुत नवाजिश है, ये आए हैं हमारे पास और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हमें इंसाफ मिले। जिस तरह इंसानियत की तजलील हुई है इसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। आपसे गुजारिश है कि हमारा साथ दें और हमारे जो इसके जो मुलजमान हैं जिन्होंने इसको मारा है उनको कैफे किरदार तक पहुँचाया जाए।